गाइस अब हम लोग चलेंगे ये जो सोमनाथ जो पुराना मंदिर था, जो प्राचीन सबसे पुराना मंदिर था, तो वहाँ लेके मैं आपको चलता हूँ। और यहाँ पे आप मैं आपको लाइव दर्शन कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे फोन अलाउड है। चलिए और दर्शन करते हैं। गाइस यही है वो मंदिर जो प्राचीन मंदिर है और बहुत ही पुराना है। पुराना वाला मंदिर यही है। गाइस अभी मैंने प्राचीन जो सोमनाथ मंदिर है वो दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में एक रास्ता है जो नए वाले मंदिर की तरफ आता है। ये जो नया वाला मंदिर है उसके पीछे वाली गली है और इस गली में एक म्यूजियम भी है। तो म्यूजियम तो अभी बंद है फिलहाल क्योंकि आज जन्माष्टमी है इस वजह से। और बाकी इस गली में बहुत सारे होटल है, जब आप कभी आओगे तो इस मंदिर के पास रुकने के लिए बहुत जगह है। और होटल का मैंने पता किया, 1000 रुपये से लेकर 3000 तक है। बहुत बढ़िया बढ़िया होटल, में आपको होटल का व्यू दिखा देता हूँ एक बार। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे होटल, तो आप ये बिल्डिंग देख लो आप। और बाकी यहाँ पे यहाँ से वो पूरी गली में यहाँ पे होटल है, तो लाइन से आपको होटल मिल जाएंगे। और जस्ट ये सोमनाथ टेम्पल के जस्ट पीछे वाली गली में है। आप कभी भी आओगे तो आपको इजीली आपको रूम अवेलेबल है यहाँ पे। सो गाइस मंदिर के पास एक शॉपिंग मार्केट भी है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी। तो अभी लग गई है भूख, तो चलिए खाना खाते हैं। और जिस मार्केट में मैं आया हूँ उसी मार्केट में है खाने की दुकान, तो चलिए खा के देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। सो गाइज खाना तो खा लिया, खाना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मंदिर के पास में दुकान है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप यहाँ के खा सकते हो। बाकी और भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम लोग चलते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिएगा अभी ब्लॉग के साथ, कहीं नहीं जाइएगा। सो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं सोमनाथ के मंदिर के आसपास घूमने की जगह पे, और यहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। और हम लोगों ने पता किया तो यहाँ से बस जाती है मंदिर के पास, सोमनाथ टेम्पल के पास से, तो वो बस जाती है 10:30 बजे एक, और एक जाती है 3 बजे शाम को। तो उसके लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता और उसमें होती है बहुत भीड़। तो मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे ऑटो भी चलता है शेयरिंग बेसिस पे, तो पर पर्सन 100 रुपीज़ लिया उन्होंने और हमें घुमा रहे वो। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं श्री भालका तीर्थ मंदिर, जहाँ पे कृष्ण जी को बाल लगा था। तो लेके चलता हूँ मैं अभी आपको।
गाइज आप देख सकते हो ये है मंदिर, श्री भालका तीर्थ मंदिर, इसमें कृष्ण भगवान है। तो चलिए दर्शन करते हैं। गाइज अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं और काफी बढ़िया मंदिर है। मैं आपको अभी कृष्ण भगवान का दर्शन करवा रहा हूँ और आज कितने अच्छे दिन पे आए हम लोग, आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन भी है। तो चलिए अंदर और आशीर्वाद लेते हैं। गाइज अभी हम लोगों ने मंदिर घूम लिया और बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, काफी बढ़िया लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। गाइज आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए चलिए हम लोग भी ऊपर चलते हैं। गाइज देखो ये शिवलिंग के नीचे है और काफी बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया बनाया गया है आप देख सकते हो। भाई यहाँ पे बहुत जगह है घूमने के लिए, तो आप आना तो एकदम बढ़िया से समय निकाल के आना। तो चलिए चलते हैं अभी और जगह घूमने। गाइज अभी नीचे तो घूम लिया शिवलिंग के नीचे, अभी चढ़ते हैं, यहाँ पे एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए शिवलिंग पे। चलिए वहां से नजारा देखते हैं कि कैसा है। गाइज आप देख सकते हो ऊपर का नजारा कितना बढ़िया है। ये रहा शिवलिंग और शिवलिंग के नीचे ही बना हुआ था। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोमनाथ से 4 किलोमीटर दूर शिवलिंग के पास, जहाँ पे जल अभिषेक, यहाँ देखो करना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है भाई, एकदम मस्त एक नंबर। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको बढ़िया से दिखाता हूँ अभी। गाइज जो आप ये जगह देख रहे हो, इस जगह का नाम है बाणगंगा और यहीं से बहिलिये ने श्री कृष्ण भगवान पर हिरण समझकर निशाना साधा था और उनको तीर लग गया था। इसी तरह पहुंच चुके हम लोग त्रिवेणी महासंगम, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, आज मिलन कराता हूँ 3 नदियों से, हिरणी, कपिला और सरस्वती से। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। अब देख सकते हो बाहर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। गाइज आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है और यहाँ पे 3 नदियों की मिलन होती है, वाह मज़ा आ गया दृश्य देख के। भाई लोग यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं, आप आओगे तो बोटिंग भी कर सकते हो। गाइज और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सूर्य मंदिर, यहाँ पे पांडवों ने तपस्या किया था। तो चलिए लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं
पानी लगा हुआ है। गाइज तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं जहाँ पे पांडवों ने तपस्या की थी एक गुफा में, तो मैं आपको वो गुफा दिखाता हूँ और ये सूर्य मंदिर में ही है। पर बहुत गाइज आप देख सकते हो ऐसे रास्ता है, भाई साहब। सो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गीता मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो अभी आ चुके हम लोग गीता मंदिर, तो गाइस तो अभी आ चुके हैं इस नदी के किनारे और इस नदी का नाम है हिरण नदी। ये भाई अपना मुस्कुरा रहे इधर। और गाइस जो बालका तीर्थ आपने मंदिर देखा था वहाँ से बाढ़ लगा था श्री कृष्ण को, और इस नदी के किनारे कृष्ण भगवान ने अपना शरीर त्यागा था और यहाँ पे उनका चरण पादुका भी है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हो गाइस। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राम मंदिर, जो मैं आपको यहाँ पे भी दर्शन कराने आ गया हूँ, और तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। अब देख सकते हो ये भी बहुत बढ़िया मंदिर है। गाइज जो भी हम लोग घूम रहे हैं ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में ही घूम रहे हैं हम लोग, तो सब सोमनाथ मंदिर के आसपास ही है। Yeah.
सो गाइज अब हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे मंदिर थे जो थोड़ा यहाँ पे फेमस है तो सारे मंदिर हम लोगों ने घूम लिया। और अभी मेरी ट्रेन है रात के 11 बजे, तो अभी देखते हैं, अभी तो ये घुमाने के बाद लेके जाते हैं सोमनाथ मंदिर, जहाँ से इन्होंने पिक किया था वही ड्रॉप कर देंगे। तो बाकी आगे का यात्रा कैसा होगा मैं आपको बताते चलूँगा, तो फिर मिलते हैं अभी आगे। तो गाइज अभी मैं सुबह से जब से आया हूँ वेरावल, तो 12 बजे के बाद मुझे 3 दोस्त मिले हैं यहाँ पे, मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मेरे ऑडियंस को हाथ बोल सकते हो, हाय तेज भी बोल सकते हैं, तेज सीताराम सीताराम, ये समझ लो कि पूरे रास्ते हंसाते हंसाते गए ये तीनों लोग। तो मेरा जो सफर है जो अकेलेपन में था इन लोगों ने दूर किया, बहुत मजा आया, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया आज, तो होता ना एकदम पेट भर के एंजॉय किया। तो कैसा लगा ट्रिप? ऐसे साथी जीवन में कम मिलते हैं, जो मिल गए उसमें हम खुश हैं। तो कुछ कहना है? ट्रिप खूप सुंदर झाली आणि न भूतो न भविष्यते असा अनुभव या ट्रिप मध्ये आला कि कोणकोणत्या प्रदेशातून लोक कुठून कुठून एकत्र येतात असं या ठिकाणी वाटतंय कि संपूर्ण भारत हा आपला एक कटिबद्धतेने बनलेला आहे असं या ट्रिप मधून आपल्याला वाटतं। अरे भाई साहब मुस्कुराने मुझे नहीं कुछ कुछ नहीं बोल रहा है। तो अभी हम लोग उधर मंदिर साइड भी चलेंगे जैसा कि मैंने बताया, तो पूरा हम लोग घूम चुके हैं सोमनाथ मंदिर के आसपास पूरा एरिया, तो बहुत मजा आया। बाकी अभी मेरी रात की 11 बजे की ट्रेन है और उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा जामनगर, तो अभी बने रहिएगा इस ब्लॉग के साथ, जब तक मैं जामनगर पहुंचता हूं तब तक आप मेरे साथ रहो और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग करेंगे। बहुत बढ़िया व्यू मिलता है गाइस। तो पूरे दिन घूमने के बाद मैं पहुंच चुका हूं डिनर करने के लिए और ये काफी खूबसूरत लॉन है, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। और ये रहे मेरे मित्र, तो मैं आपको इनसे भी मिलवाऊंगा गाइस। तो अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे डिनर और बहुत सारे फन, तो इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 3। तब तक लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।